नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर गाजीपुर से है, जहां बिरनो थाना क्षेत्र भवराहा दुधवापुर गांव निवासी शहीद जवान विनोद राजभर के घर को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पहुंचे। अनिल राजभर ने शहीद के पिता तिलकधारी राजभर और पूनम देवी का ढांढस बढ़ाया और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ी है। शहीद विनोद राजभर की शहादत पर हमें फख्र है। कैबिनेट मंत्री ने परिवार के एक व्यक्ति को प्रदेश सरकार में योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया। साथ साथ भड़सर राष्ट्रीय राजमार्ग 29 से शहीद के गांव तक पक्की सड़क और बिरनो से शहीद के गांव तक पक्की सड़क शहीद के नाम से बनवाने की बात कही। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहीद के नाम से शहीद गेट और शहीद की प्रतिमा स्थापित कराई जाएगी। शहीद के दोनों पुत्रों गौरव व सौरभ को पढ़ाई की व्यवस्था भी कराई जाएगी। ग्रामीणों ने शहीद के शव यात्रा में जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान के न आने की शिकायत की तो अनिल राजभर ने कहा कि इसकी जानकारी है, शासन में इस बात को पहुंचाया जाएगा। गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। कि हमारी भी जान कभी देश के लिए जाए तो एक प्रकार से एक तरफ गम भी है और एक तरफ गर्व भी है। मैं अपनी बात कहूं तो एक तो मेरे परिवार का ये विषय है, हमारे घर की बात है, और दूसरा चूंकि मैं भी एक सैनिक परिवार से हूं, मेरे पिताजी भी पहले जलसेना में रहा करते थे, तो इस नाते भी मेरा एक जुड़ाव रहता है। अभी कुछ दिन पहले तक मेरे पास सैनिक कल्याण विभाग था। जब ये विभाग मेरे पास आया तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने ये प्राविधान किया कि हमारा कोई भी जवान ऑन ड्यूटी अगर उसकी जान जाती है तो हम उसके परिवार से एक किसी न किसी को सरकारी नौकरी में रखने का काम करते हैं। और ये सारी चीजें पुलवामा की घटना से बहुत पहले हमने कर दिया था प्राविधान। आज मेरे पास वो विभाग नहीं है लेकिन मुझे संतोष बहुत है इस नाते कि मेरा भी बैकग्राउंड एक सैनिक परिवार का ही है, और जब कभी भी ऐसी घटना घटती है तो मुझे संतोष होता है कि मैंने एक बहुत अच्छा काम अपने मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में मैंने किया कि कोई भी हमारा जवान देश की सुरक्षा के दायित्व का निर्वाह करते हुए ऑन ड्यूटी अगर उसकी जान जाती है तो हम उसके परिवार के किसी न किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी में रखेंगे। तो उसी क्रम में बाबूजी को तय करना है, परिवार के एक सदस्य को हम उत्तर प्रदेश की सरकार में कहीं न कहीं अच्छे जगह पर उनकी योग्यता के हिसाब से एक सरकारी नौकरी का प्राविधान हम अपने मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके हम परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में रखवाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जो मैं समझता हूं कि आज सबको दुख है, तकलीफ है, पूरा जिला पूरा इलाका मरमाहत है, हम सब लोग दुखी हैं। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।